सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूज चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूपी में सत्ता बदलने के साथ ही ब्लॉक प्रमुख पद पर उठापटक शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ जिले के महराजगंज ब्लॉक प्रमुख रुद्र प्रताप सोनकर के खिलाफ लामबंद होकर कई क्षेत्र पंचायत सदस्य डीएम कार्यालय अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुँचे। आरोप लगाया कि जब से ब्लॉक प्रमुख पद पर रुद्र बैठे हैं कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे क्षुब्ध कर वे आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ महराजगंज ब्लॉक के प्रमुख रुद्र प्रताप सोनकर भी डीएम कार्यालय पहुंचे और अविश्वास प्रस्ताव को झूठा बताते हुए कहा कि जितने लोग आए थे सभी फर्जी है। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। करीबन 40-45 वालों में क्यों ला रहे हैं, क्या उनका क्या कारण का विषाद अभी तमाम प्रकार के लिए निपटाए जो है आई गई। हमारे जो सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं लगभग 2.5 साल होने जा रहा है, किसी भी प्रकार का जो उनको जो है जो सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुँचाया गया। अपने कुछ चहेतों उनके द्वारा जो जो सरकारी धन आया बंदर बांट किया गया, इसलिए हमारे सम्मानित महाराज उनके तमाम लगभग जो है 570 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको जो है पद से हटाने का काम करेंगे, पुनः जो है नया चुनाव कराने का काम। इसमें सही है कि जो महिलाएं वो नहीं है, ये 8 नाम जो है वो फर्जी हस्ताक्षर मौके को नहीं आए थे और मैं उनमें जो चुनाव का प्रमाण पत्र मिला उसमें किसी को लगा नहीं है, इसी सिद्ध हो गया कि मैं ज़्यादा फर्जी लगा। सर उन लोगों का आरोप था कि आप जो है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को जो है कि देखते हैं, हम लोगों को नहीं देखते हैं, इसके इस तरह से वो लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्या नहीं, ऐसी गलत बात है, हम कब सब मतदान किए, हम सबके हैं, हमको सबको देखना है। ये पैसे के हिसाब से जो सरकार पैसा दे रही है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे उनके खिलाफ, अगला कदम क्या है? जो सही उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद खर्च करें।